الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم میں سورہ رعد کی تفسیر کا بیان جو جاری تھا آج پھر اسے جاری کیا جا رہا ہے دوبارہ. گزشتہ جمعے حضرت والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے سلسلے میں بیان ہوا تھا کہ تفسیر کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. یہ پہلی آیت جو پڑھی ہے اس کا بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں.
इंसान की हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती है। जब तक अल्लाह ताला चाहता है इंसान महफूज रहता है, और जब अल्लाह की बारगाह में किसी की हिफाजत मकसूद न हो तो फिर वो लाख तदाबीर कर ले वो बच सकता नहीं। मुझे और आपको ये जान लेना चाहिए कि इंसान की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी एक मुद्दत तक है, और उसमें हम लोग ये सुनते रहते हैं कि इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून सा'अतन वला यस्तक़दिमून, कि जब अजल आ जाती है, वो वक्त आ जाता है जब किसी ने इस दुनिया से जाना हो, उसकी रूह ने उसके जिस्म से निकलना हो, तो फिर एक साथ आगे होती है न पीछे होती है, फिर उस लम्हे में कोई तब्दीली नहीं होती। और बाज मरतबा जाहिरी तौर पर इंसान अपनी जिंदगी से मायूस हो जाता है और यह समझ लेता है कि अब मैं गया, लेकिन वो जिंदा रहता है, मर नहीं पाता। क्योंकि इसलिए कि उसकी अजल की साथ नहीं आई होती। जैसे हजरत पीर वारिस शाह साहब ने जो मशहूर हीर लिखी है उसमें भी ये शेर मौजूद है कि डिग पैन आसमान तो नहीं मरते, कायम जिना दे रिस्क दिया ढेरिया ने, कि जिनका रिस्क जमीन पर मौजूद है और अभी खत्म नहीं हुआ, वो अगर बुलंदियों से भी नीचे गिर पड़े तो वो मरते नहीं, क्योंकि उनका रिस्क अभी बाकी है। और जिसका रिस्क खत्म हो चुका, जिसका वक्त खत्म हो चुका, फिर वो बचता नहीं। इंसान को अपनी हिफाजत की तदाबीर इख्तियार करना मना नहीं है। बीमार हो जाए तो ये ना समझे कि अगर वक्त नहीं आया तो नहीं मरूंगा, लिहाजा दवा नहीं करनी। नहीं, जिस अल्लाह ताला ने बीमारी पैदा की है उसने उसकी शिफा भी पैदा की है। कुल दाइन दवा, हर बीमारी के लिए दवा है। हाँ, आप उस दवा तक पहुंचे या ना पहुंचे, उस दवा में आपके लिए शिफा है या नहीं है इस पर आपको इख्तियार नहीं है, लेकिन आप अपने तौर पर तदाबीर इख्तियार करेंगे। अगर आपकी बीमारी को दवा से दूर करना है तो उस दवा तक अल्लाह ताला आपको पहुंचाएगा और उस दवा में आपके लिए शिफा रखेगा, वरना वही दवा आप खाते रहे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि दवा में असर अल्लाह की तरफ से होता है, वो चाहे तो उसमें असर रखे और चाहे तो असर निकाल। देखिए, छुरी का काम काटना है, आग का काम जलाना है। आग जलाती है, छुरी काटती है। आग में जलाने का असर अल्लाह ने रखा, छुरी में काटने का असर अल्लाह ने रखा। ये सलाहियत आपकी अपनी नहीं या छुरी की अपनी नहीं है। इसी आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया मगर आग में नहीं जलाया। यही छुरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चली मगर उसने उनको नहीं काटा। तो अल्लाह ताला ने आग से उस वक्त हजरत इब्राहीम को जलाने की खासियत और सलाहियत तलब कर ली, और छुरी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काटने की सलाहियत तलब कर ली। जो अल्लाह सलाहियत रखता है, खासियत रखता है, वो निकाल भी सकता, उसके बारे में हम किसी शक शुबे के शिकार नहीं होते। तो दवा में शिफा है मगर उसके लिए जिसके लिए अल्लाह चाहे। एक मरतबा आपने कोई गोली इस्तेमाल की, लागू बात है, ये जो गोलियां बनती हैं जड़ी बूटियों का असर निकाल के उनको एक तरीके से बना दिया जाता है, इससे भी आप बात को समझें कि बजाहिर
एक बूटी, एक टहनी, एक शाख, एक पत्ते से आप देखते हैं तो उसमें आपको कुछ नजर नहीं आता, मगर जब उसका अर्क निकाल लेते हैं तो फिर उसमें असर आ जाता है, उसमें खासियत निकल आती है। तो हर चीज की एक हालत ही ये नहीं बताती कि वो असरवादी है या नहीं है, बाज मरतबा उसकी दूसरी हालत असर अंदाज होती है। जैसे पानी है, पानी से इंजन नहीं चला सकते, मगर इसको भाप बना दें, स्टीम बना दें, तो बताइए भाप बन के फिर गाड़ियां चलती हैं या नहीं चलती। तो उसकी दूसरी हालत जब उसको तैयार किया गया तो उससे मामला बदल गया। बहुत सी चीजें किसी हालत में और हुक्म रखती हैं, जब हालत बदलती है तो उनका हुक्म भी बदल जाता है। तो दवा उस वक्त असर करती है जब अल्लाह ताला चाहे, और जब अल्लाह नहीं चाहता तो फिर दवा असर नहीं करती। आपने गोली खा ली, सर दर्द की गोलियां आम हैं, आपने खाई फौरन फायदा हो गया, और एक मरतबा आपने उसी गोली को फिर इस्तेमाल किया मगर असर नहीं हो रहा, तो क्या मतलब कि उस मरतबा उसमें असर क्यों नहीं है? हालांकि गोली उसी जड़ी बूटी से वही तरीके से बनी है मगर असर नहीं कर रही, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उससे असर की खासियत को निकाल दिया। बाद मरतबा आप बीसियों दवाएं इस्तेमाल करते हैं, आखिर में जाके किसी ऐसी दवा के करीब पहुंचते हैं कि फौरन असर कर जाती है, पहली 20 दवाएं असर नहीं करती, हालांकि सब में असर होता है, मगर आपके लिए कब और किस वक्त कौन सी दवा में शिफा है ये आपको मालूम नहीं, आप अपने तौर पर कर रहे हैं। कौन असर करेगी कौन नहीं ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला जब चाहता है खासियत रखता है, जब चाहता है निकाल लेता है। यफअलुल्लाहु मा यशा, वो जो चाहता है करता है, उसके बारे में हम लोग कोई शक शुबा कर सकते नहीं। तो पता चला जब इंसान की हिफाजत मकसूद होगी तो इंसान को बचाया जाएगा, उसको कुछ भी नुकसान नहीं होने पाएगा, और जब इंसान की हिफाजत मकसूद नहीं होगी तो फिर उसे कोई बचा सकता नहीं। तो ये जो फरिश्ते हैं अल्लाह की तरफ से हैं, जब इंसान की हिफाजत अल्लाह नहीं चाहता तो इन फरिश्तों को रोक दिया जाता है, फिर ये इंसान की हिफाजत नहीं करते। हाँ, हम खुद ऐसी हरकत ना करें कि ये फरिश्ते हमसे दूर हो जाएं, हमें अपने आमाल का मुआवजा करते रहना चाहिए, अपने आप को देखते रहना चाहिए कि हम किसी गलती के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमें फौरन अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, खुद को दुरुस्त कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। अमन, सलामती, आशती, आफियत, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन अमन कभी छिन जाए, सलामती कभी खत्म हो जाए, आफियत बाकी ना रहे, आशती बाकी ना रहे, तो फिर हमें सोच लेना चाहिए कि ये हमारी ही शामत आमाल है, हमारे ही गुनाहों की शिद्दत, मुसलसल नाफरमानी और अल्लाह और उसके रसूल से रूगर्दानी का नतीजा है। अगर मैं और आप वो लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हुए कुरान और हदीस को मानते हैं, इस्लाम के माने तस्लीम करना, गर्दन झुका देना, अगर हम लोग अल्लाह ताला को अपना खालिक और मालिक मानते हैं, उसकी इताअत लाजमी जानते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुता मानते हैं,
और उनकी फरमा बरदारी करते हैं, उन्हें फरमा रवा समझते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम उनकी नाफरमानी ना करें। और अगर हम नाफरमानी के मुर्तकिब होंगे तो ये गुनाह होगा, और जब उस गुनाह को मुसलसल करते रहेंगे तो ये जुल्म होगा। और बाज मर्तबा इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है, और गुनाह को गुनाह ना समझना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। इतनी बड़ी गलती है कि इसके बाद फिर इंसान के पास तौबा और इस्लाह के लिए भी समझ और अकल शऊर बाकी नहीं रहता, वो अपने आप को दुरुस्त समझता रहता है। तो मुझे और आपको जान लेना चाहिए कि जब हम नाफरमानी मुसलसल करते रहते हैं, गुनाहों की दलदल में अपने आप को फंसाते और फंसाते रहते हैं, तो बजाहिर ये समझते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया और किया था तो खत्म हो गया, और माफी भी नहीं मांगते, तौबा भी नहीं करते, तो फिर अचानक पकड़ हो जाती है। अल्लाह ताला हमें ऐसी पकड़ से बचाए और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत में जवाल नेमत से, जिल्लत और रुसवाई से बचाए। लेकिन हम लोग अभी तक ऐसी दुआओं के बावजूद अपने अंदर इतना पैदा नहीं करते। हमें सोचना चाहिए कि हम लोग किन राहों पर चल रहे हैं। मामूली सी तकलीफ हो जाए कितने परेशान हो जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और अपने मामले में गौर करके अपनी इतला करनी चाहिए। अगर हमें अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं होगा, तो फिर जब हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे तो अल्लाह फिर हमसे मुंह फेर लेगा। इसका क्या मतलब कि फिर अल्लाह की रहमत हमें हासिल नहीं होगी। इंसान को अल्लाह की रहमत उसी वक्त मिलेगी जबकि वो उसका तालिब होगा, उसके लिए कोशिश करेगा। ये ठीक है कि दूसरों की बरकत से हमें भी रहमतें मिल जाती हैं, मगर हमें फायदा कब होगा? जब हम खुद उसके तालिब होंगे और उसके लिए जौक और शौक रखेंगे, अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश करेंगे। वरना आपके सामने हालात हैं, कराची शहर ने आपके सामने मंजर पेश कर दिया कि यही वो शहर और यही वो मुल्क जिसको कुर्बानियां देकर हासिल किया गया, हिंदू और अंग्रेज की गुलामी से निजात चाही गई कि यहाँ इस्लाम के मुताबिक आजादाना बसर करेंगे, मगर मालूम ये हुआ कि हिंदू और अंग्रेज से जिस्मानी तौर पर तो आजादी हासिल कर ली, जहनी आजादी अभी तक हासिल नहीं कर पाए, और गुनाहों की उसी दलदल में अभी तक हम दसे हुए हैं, और हम लोग उसी तरह अपने सिलसिले जारी रखते हुए हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने आ गया कि इसी मुल्क में इस्लाम के खिलाफ बातें की जाने लगी, जुलूस निकाले जाने लगे, शरीयत की मुखालफत की जाने लगी, तबीयत की गुलामी की जाने लगी, जिसका नतीजा ये आया कि अब तरह तरह की मुश्किलों में हम गिरफ्तार हैं, अमन हमसे छिन गया, अकूबत इस्लामी इस्लामी भाईचारा हमसे छिन गया, ये बिरादरहुड, ये आपस में एक दूसरे से जो ईमानी मोहब्बत थी अब उसकी जगह नफरत ने ले ली है। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, महंगाई है, खौफ है, परेशानी है, दहशतगर्दी है, सुकून नहीं है, ये सब क्या है? ये हमारी नाफरमानियों का नतीजा है जो हमारे सामने, लेकिन अभी भी हम इसको पूरी तरह समझ नहीं पाए और यही समझते हैं कि शायद कोई करिश्मा हो जाएगा और हम अपने आप को उसके तीजत से निकाल लेंगे और फिर वो सब कुछ मामला दुरुस्त हो जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी ऐसी आफत भी आती है कि बुरों के साथ अच्छे भी उसका शिकार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब तक गुनाह चंद अपराध तक महदूद रहता है, बात छुपी रहती है, ढकी रहती है, और जब पूरी मिल्लत गुनाह में मुब्तला हो जाए तो फिर सब पर अजाब आ जाता है, फिर सब मुसीबत का शिकार होते हैं। तो मुझे और आपको किसी
और वक्त का इंतजार करने से पहले पहले अपने आप को दुरुस्त कर लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि ये अमन, ये सलामती, ये आफियत, ये मोहब्बत, ये अखुवत अगर अल्लाह की नेमत है और हमारे लिए ये बेहतरी है तो हम इसे अपने हाथ से न जाने दें। कोशिश करें हम लोग कि हम लोग अपनी इतला करके इन नेमतों को खुद में बाकी रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमतें हमसे छिन जाएं और हम तबाह बर्बाद हो जाएं। इंसान मोहलत से फायदा उठाए और तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को गुनाह से पाक और साफ कर ले। ये ना हो कि वो मोहलत को गलत इस्तेमाल करके अपने गुनाह में इजाफा करे। हम सबको इस मामले में बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए और हर लम्हे ये याद रखना चाहिए, नहीं मालूम कौन सा वक्त आखिरी वक्त हो। जो सांस अंदर गया हुआ है, जो हवा अंदर गई हुई है, पता नहीं वो बाहर आएगी या नहीं, और जो बाहर है वो पता नहीं अंदर जाएगी या नहीं। तो मुझे और आपको हर लम्हे अपना एहतसाब करते हुए, मुहासबा करते हुए अपनी इतलाह करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु। और जब अल्लाह किसी कौम से बुराई चाहे तो वो फिर नहीं सकती। क्या मतलब कि जब कोई अपने ऐसे हाल को पहुंच जाए कि अल्लाह का आवा उस कौम से कोई रियायत न चाहे तो फिर अजाब से, अल्लाह की पकड़ से उसे कोई बचा सकता नहीं। ये कौम ने नाफरमानियां करके, गुनाह करके अपने आप को अजाब के लायक बना लिया, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं की और अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की, तो फिर ऐसी कौम याद रखे कि जब अल्लाह ताला उस पर अजाब लाने, उसकी पकड़ करने, उस पर सख्ती करने को चाहे तो फिर ऐसी सख्ती फिरती नहीं है। फिर वो मुसीबत, वो तकलीफ, वो अजाब, वो इताब आकर रहता और उस कौम की तबाही उसका मुकद्दर हो जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ बलम बाऊर का किस्सा, सुना चुका हूँ बनी इसराइल का आबिद और जाहिद का। जब उसने दुनिया की खातिर, दुनिया के माल के लिए अल्लाह की फरमा बरदारी से, अल्लाह की रजा से मुंह मोड़ा तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी सारी उम्र की मेहनत बर्बाद हो गई। शैतान को देखिए, अपने आप को मवाहिद कहता था, अकीदा तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना और एक जानना, इसमें उसने कभी फर्क नहीं किया था। अल्लाह को एक ही मानता था, एक ही जानता था, तौहीद पर कायम था। अपने आप को मुअल्लिमुल मलकूत समझता था, फरिश्तों के सामने दर्स बयान करता था। इन सारी बातों के बावजूद जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो 6 लाख बरस की इबादत भी काम ना आई, उसका अकीदा भी काम ना आया, उसकी इबादत भी काम ना आई, उसका इल्म भी काम ना आया। इसलिए कि उसको अल्लाह का फजल शामिल हाल नहीं था, उसके पास ईमान नहीं था। तो मुझे और आपको जान लेना चाहिए कि हम ये समझे कि 40, 50, 60, 70 साल मेहनत की है कुछ नहीं होगा, नहीं। हर लम्हे जिसने ज्यादा मेहनत की हो उसको तो ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। जितनी दौलत ज्यादा जमा की होगी उतनी ही एहतियात भी ज्यादा करनी है। जितना नेकियां ज्यादा जमा की हैं उनकी एहतियात की फिक्र भी उतनी ही करनी होगी। गुनाह ज्यादा किए होंगे तो डरना भी उतना ही ज्यादा होगा। आप समझते हैं इस बात को, हालांकि अल्लाह से डरना चाहिए लेकिन ये कि जो ज्यादा गुनाह करता है तो उसको ज्यादा डरना चाहिए। लेकिन अफसोस आज ये हाल नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पहले कह चुका हूं, कोई बीमार हो जाए तो उसको इलाज करना मना नहीं है, मुसीबत आ जाए तो दुआएं करना मना नहीं है, लेकिन याद रखे कि ऐसी तदबीरें तकदीर के खिलाफ उस वक्त नहीं पड़ेंगी जब अल्लाह इरादा कर लेगा। जब अल्लाह चाहेगा
अगर अल्लाह का इरादा है वो मैं बात समझने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह का इरादा किस हाल में है ये अल्लाह जानता है, उसके इल्म में सब चीजें पहले से हैं, जाती तौर पर है। लेकिन मुझे और आपको जानना चाहिए कि अगर हमने अपने आप पर तवज्जो नहीं की तो फिर ये तदबीरें हमें तकदीर से बचा सकती नहीं। ये ना हो कि जबान पर कुछ है और दिल में कुछ है। जबान पर तो तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, और दिल में ये हालत हो कि मौका मिला तो फिर गुनाह करूंगा, तो ये सच्ची तौबा नहीं होगी, ये अल्लाह से मजाक हो जाएगा। तस्बीह कर दिल गाओ पर सुनी तस्बीह से तारक असर। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जबान के ऊपर तो अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कलिमा पढ़ रहा है, तौबा इस्तिगफार है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, पर जबान तस्बीह तस्बीह पाकी बयान करने को कहते हैं। जबान पर तो तस्बीह और दर दिल गाओ पर दिल में गाय और गधे का ख्याल, दिल में बुरी चीजों का ख्याल, दिल में बुराई है, जबान पर पाकी है, तो वो ऐसा शख्स जिसकी जबान पर कुछ है और दिल में कुछ है, वो सुने ही सुनी तस्बीह के दारत असर। इस तरह की तस्बीह कैसे असर कर सकती है? हालत तो ये हो कि अगर जबान पर अल्लाह का नाम है तो दिल की धड़कन भी अल्लाह अल्लाह करती नजर आ रही, उसके दिल में भी उसका असर होना चाहिए। दिल में दुनिया हो और जबान पर कुछ और हो तो फिर ऐसा मामला दुरुस्त नहीं होता। मशहूर वाकया ना, वो एक मौली साहब नमाज पढ़ा रहे थे, पीछे कोई और साहब आके खड़े हो गए, आगे भी मौली साहब, पीछे भी एक मौली साहब आके खड़े हो गए, बज़ाहिर मौलवी सूफी पीर जो भी आप कह लें, अलग अलग नाम है काम है, आगे इमाम भी अल्लाह वाला था, पीछे मुक्तदी भी अल्लाह वाला था। जब जमात खत्म हो गई तो पीछे वाले जो बुजुर्ग थे उन्होंने इमाम साहब को कहा कि तू जिसकी पूजा करता है वो मेरे पांव के नीचे है, तूने जिसकी पूजा की है तेरा ध्यान जिसमें है वो मेरे पांव के नीचे। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, नमाज तो अल्लाह की पढ़ते हैं, पूजा तो अल्लाह की करते हैं, और इसने क्या अल्फाज कह दिए? लेकिन ये तो उनकी शक्ल देख के, उनकी हालत देख के, क्योंकि लोग जानते थे कि ये अल्लाह वाले हैं, किसी ने जुरत नहीं की उनसे बात को समझने की, पर तवज्जो दी कि समझो गे बुजुर्गों ने क्या कहा। कोई समझदार था, उसने मौलाना साहब से पूछ लिया, मौली साहब जब नमाज पढ़ा रहे थे ध्यान किधर था? उनका ध्यान इस तरफ था कि बच्चियां जवान हो गई हैं, पैसे नहीं है, शादी करनी है, तो पैसों की तरफ ध्यान था। उनका वो कह गए पांव के नीचे, जहां वो खड़े थे जमीन को खोदो, नीचे खोदा गया तो नीचे से दौलत निकल आई। तो वो तुझे बता गए हैं कि तू नमाज में जिसकी तरफ ध्यान लगाए हुए था वो मेरे कदमों के नीचे। इससे अंदाजा कर कि बजाहिर ये मेरी आपकी तालीम के लिए है कि बजाहिर नमाज पढ़ने हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, दिल किधर लगा हुआ, ध्यान किधर है? अगर ध्यान में दुनिया है, ये घोड़े कदे का ख्याल है, दुनिया के जानवरों की तरह नजाकत अंदर है, तो फिर ऐसी तस्बीह असर नहीं करती। तस्बीह कब असर करेगी?
जब हम सच्चे दिल से अल्लाह को याद करेंगे, हमारी तस्बीह में और अल्लाह वालों की तस्बीह में यही फर्क है, हमारी दुआ में और अल्लाह वालों की दुआ में यही फर्क है। मुझे और आपको समझ लेना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जबान से अल्लाह का नाम निकले और हमें फायदा हो, तो फिर हम जान लें कि हमें अपने दिल की हालत को दुरुस्त करना चाहिए। और अगर दिल की हालत दुरुस्त नहीं है तो मुझे और आपको तस्बीह का कोई फायदा जरा ऊंची कह दीजिए। और आप चाहते हैं कि फायदा नहीं है, पूछ रहा हूं आप, इतनी मेहनत से आप तस्बीह खरीदते हैं, जो भी हज करने जाए, उमरा करने जाए, ज्यारत करने जाए, तबर्रुक लाना भाई लाजिम आता, भले तो तस्वीर पाकिस्तान से ही गई हो, फिर के वहां से आ जाए, चलो हवा लग गई, तबर्रुक हो गई, वहां की हवा लग गई, दूसरे मुल्कों से आती है, वहां की मकामी तो बहुत कम होती है, दुनिया भर से जाती है, हवा लग के आ गई, तबर्रुक हो गया, लोग बन की बन थैलियां ले आते हैं, कम अज कम हवा तो लगवा लिया करो। एक बन थैली आई मसलन जापान से आ गई, आपने खरीद ली, उसी तरह ले आए, उसको हवा भी नहीं लगी, तो फायदा क्या होगा? वो तो जापान से सीधी पाकिस्तान आ गई, कम अज कम वहां मदीने की हवा तो लग जाए उसे, तबर्रुक होने की कोई तो अलामत है, चले जी ले आए, दूसरे को दी उसने लेके जनाब, सील पे टांग दी, कहीं सजा दी, आपने तस्वीर नहीं पड़ी आज की उंगलियों की कोरों, रात बड़ी रात है और बड़ी रातें आएंगी, अगला महीना शाबान का है, शबे बरात आएगी, उसके बाद से रमजान की रातें हैं, रातें आती रहती हैं, मुकद्दस रातें हैं, और जो कदर वाला है उसके लिए हर रात शबे कदर है, तो आपने जागना है, फिक्र करना आपको पसंद है, इबादत करना, तस्बीह पढ़ना पसंद है, नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा सकती है, फातिमा मशहूर है पड़ी जाती है, तो वो शाम पड़ी जाती है, इसके अलावा बेशुमार मरतबा तस्बीह पड़ी जाती है, तो मुझे और आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम तस्बीह पढ़ रहे हैं और दिल में हमने गंदगी रखी हुई है, इस गंदगी से मुराद क्या है, ये गांव और क्या चीज है, मालूम हुआ दुनिया की दौलत कमाने के लिए तस्बीह पढ़ रहे हैं, ओहदे की ख्वाहिश है, और दुनिया की नजाकतें बुराई की ख्वाहिश है, बुरी बातों पर ध्यान लगाया हुआ है, वो चीजें जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है उनकी तरफ लगा हुआ, ये वो मुराद, इनको जानवरों की तरह समझा जाए, हमारा ध्यान इनमें लगा हो और जबान पर अल्लाह की बाकी हो, तो ऐसी तस्वीर असर जरा ऊंची कह दीजिए, इसलिए आपसे कहलवा रहा हूं कि आपको एहसास होने, जब कभी तस्बीह पढ़ने बैठे तो आपको पता हो कि आप तस्बीह पढ़ रहे हैं तो दिल की हालत क्या है, और ये दिल ही तो है, अगर ये सही हो जाए तो सारा मामला सही हो जाएगा, डॉक्टर आपके जिस्म को दुरुस्त करता है, अल्लाह वाला आपके दिल को दुरुस्त करता है, ये दिल जो है ना ये बादशाह है, बादशाह इंसान के जिस्म में क्या है, बादशाह, बाकी सारा जिस्म रियाया है, बादशाह दुरुस्त तो रियाया दुरुस्त, और बादशाह खराब तो रियाया, की सफाई करो, आप उस कमरे में नहीं रहते जिसमें गंदगी हो, कोई दूसरा ठहरा हो जिसको आप पसंद ना करते हो, तो अल्लाह उस दिल में कैसे आएगा जिस दिल में दुनिया होगी, दिल की सफाई करो, मुजाहिदा करना पड़ता है, यानी कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और जब दिल साफ हो जाता है तो जिनके दिल साफ है अनवारे इलाही की तजल्लियात भी उन्हीं पर नाजिल होती है, अल्लाह के नूर की शुआएं भी उन्हीं पर पड़ती हैं, इसीलिए अल्लाह वालों की सोबत में बैठते हैं ना तो उनके दिल साफ होते हैं, उन पर अल्लाह के नूर की तजल्लियां पड़ती हैं, तो हम सामने जाके बैठ जाते हैं कि शायद तजल्ली हम पर भी पड़ जाए, उनके चेहरों में नूर, उनकी बातों में नूर, उनके कामों में नूर, उनके ख्यालों में नूर, उनकी महफिल में भी नूर, उनकी महफिल में भी नूर, नूरी कारोबार है सारा, सारा नूरी सिलसिला,
लेकिन ये कि हमने मुंह फेरा हुआ, दिल की सफाई करो। जब दिल साफ हो जाता है तो कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह तआला, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श। अल्लाह फरमाता मैं सातों आसमानों में नहीं समा सकता, सातों जमीनों में नहीं समा सकता, समाना चाहूं तो अपने बंदे के दिल में समा जाऊं। दिल की सफाई करो, मोहब्बत दिल को आबाद करती है, और किस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल वीराना, वो दिल किसकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं? अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत। अपने घर वालों से मोहब्बत रखो तो अल्लाह के लिए, तो ये मतलब नहीं माँ बाप बहन भाई दोस्त अजीज मुसलमानों के लिए मोहब्बत ना रखो, इन सब को भी मोहब्बत किसके लिए रखो? जरा ऊंची कह दीजिए, इश्क के से दिल में नहीं वो दिल नहीं, यार के रहने की वो मंजिल नहीं। दुनिया की मोहब्बत है और अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो वो दिल दिल कहलाने के लायक नहीं। और अल्लाह वाले सुबह शाम उस दिल की सफाई में लगे हुए, दिल को साफ करते रहते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं, दिल ख्वाहिशात को निकाल देते हैं, दुनिया निकाल देते हैं, आरजू तमन्नाएं ख्वाहिशात के पीछे फिरते नहीं। और जब सफाई कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। खलवत का क्या मतलब? प्राइवेसी, अब कोई और नहीं अलैहिदी है। क्या मतलब कि अब दिल में कुछ और बाकी नहीं रहा? या अल्लाह मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया, अब तो इस दिल में तू आ जा। और हम अल्लाह को दाखिल ही नहीं होने देते। किसी तरफ से अल्लाह आना चाहे तो हम उसमें दुनिया इतनी दाखिल कर लेते हैं कि अल्लाह आ नहीं ना पाए। आपको मैंने बात सुनाई थी पहले भी, याद होगी कुछ लोगों को, मालिक और गुलाम दोनों जा रहे थे सफर में। गुलाम नेक था, मालिक दुनियादार था। मस्जिद आ गई, गुलाम ने कहा साहब इजाजत दे मुझे, मस्जिद आ गई है, मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज का टाइम है। उन्होंने कहा ठीक है तुम नमाज पढ़ लो, मैं ये सामने दुकाने वकाने देख रहा हूँ। दुनियादार था ना वो गुलाम, अंदर चला गया, नमाज खत्म हो गई, नमाजी बाहर चले गए। वो अभी तक बाहर ही नहीं आया कि बाहर इंतजार कर रहा था कि आए और हम आगे जाएं। जब उसने देखा सारे आ गए कि अभी तक नहीं आया, उसने वही दरवाजे से उसको आवाज लगाई, मियां क्या हुआ तुम आते नहीं हो? किसने तुम्हें रोक रखा? बाहर क्यों नहीं आते? क्या रोक रहा तुम्हें? उसने गुलाम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उसने कहा मुझे बाहर आने से वही रोक रहा है जो तुझे अंदर आने से रोक रहा है, जो तुझे अंदर नहीं आने दे रहा वो मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा। क्या मतलब? कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत बाहर नहीं जाने दे रही और तुझे दुनिया की मोहब्बत अंदर नहीं। बात समझे, हम लोगों ने अपनी तरफ कभी तवज्जो नहीं। जब अल्लाह किसी कौम से बुराई चाहता है फिर वो फिरती नहीं। ये टाइम है हम लोग अपने आप को दुरुस्त कर लें और ऐसा वक्त अपने ऊपर ना आने दें कि अल्लाह हमसे बुराई की, अल्लाह हमसे बुराई चाहे। हाँ अगर कभी आ जाए तब भी माफी मांगते रहो, ताकि ये कि अगर किसी मुसीबत में जाना भी हो, दूसरों की वजह से किसी मुसीबत का शिकार भी हो, तो ईमान साथ रहे, हर वक्त तौबा करते रहने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा लहुम मिन दूनी मिन वाल, और उसके सिवा
होगा उनका कोई हिमायती नहीं, कोई वली नहीं। सुने, तवज्जो करें, काफिर का कोई मददगार नहीं, मोमिन के बहुत से वाली वारिस मददगार हैं। काफिर का कोई मददगार नहीं, मोमिन के बहुत से वाली मददगार जिनके हैं वो तो कहें, जरा ऊंची गई है। इस बात को समझे, मैंने फिर आपसे कहलवाया, ये मौजू बहुत सुना है आपने, बहुत मरतबा सुना है। हिमायती ना होना कुफार के लिए आजाद है और मोमिन इससे माफूज हैं। तो कोई मोमिन भी औलिया का इनकार कर दे तो बताइए, उसने खुद अपने आप को हिफाजत से अलग किया या नहीं किया? तो वो लोग जो औलिया की अजमत का, उनकी सदाकत का, उनकी वलायत का, उनकी फजीलत का, उनके मर्तबत का, उनकी शान का इनकार करते हैं, उनकी करामात का इनकार करते हैं, उनकी बुजुर्गी का इनकार करते हैं, वो औलिया का कोई नुकसान नहीं करते, अपने आप को गैर महफूज बनाते हैं, अपने आप को रहमत से दूर करते हैं, अपने आप को अल्लाह के करम से दूर करते हैं, वो औलिया का कोई नुकसान नहीं करते। हमने कभी किसी को दावत दी है कि नहीं जी आओ, जो तुम कहोगे करके दिखा देंगे? कभी ऐसी दावत दी है? मैं पूछ रहा हूं, औलिया किराम ने कभी इश्तिहार लगाए? ये जितना बोर्ड लगे होते हैं सड़कों पर, फलाना हकीम इतने साल का माहिर है, आप आए, जो भी मर्ज होगा इलाज किया जाएगा, या जिस तरह ये आमरीन लगा देते हैं, जो चाहे आपके कदमों में, आपका दुश्मन तबाह और आपका महबूब आपके कदमों में, वगैरह वगैरह, ये इश्तिहार लगे होते हैं। औलिया ने कभी इस तरह के इश्तिहार लगाए, बोर्ड लगाए? नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह वाला जो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का प्यारा है, उसके पास जाए तो मन की मुरादें पूरी होती हैं। मैं जायज बातों के लिए कह रहा हूँ, गलत बातों के लिए नहीं कह रहा। दुनिया भी मिलती है, दीन भी मिलता है, आखिरत भी मिलती है, नजात भी मिलती है, नई नई बड़ी बात जन्नत भी मिलती है। उनको तो देखने से ही मिल जाता है। आपको पता नहीं, यकीन हो ना हो, मेरा यकीन है, ईमान और मोहब्बत के साथ जिसने अल्लाह वाले को देखा उसकी आंखें फटती नहीं। शर्त ईमान है, शर्त मोहब्बत है। चलो हम अच्छे ना गई, मगर इन आंखों ने अच्छों को तो देखा हुआ। बात समझ रहे हैं ना? ईमान और मोहब्बत करता है, ईमान हो मोहब्बत हो, अल्लाह वाले का दीदार ही जन्नत की जमानत के लिए काफी है। है, ये तो बीच में मोहब्बत की बात आ गई। बात क्या कर रहा हूँ, उन्होंने बोर्ड नहीं लगाए, मगर हम जानते हैं उनके पास जाते हैं हमें मिलता है या नहीं मिलता। वो अल्लाह की अता से आगे अल्लाह की नेमतें बांटते हैं, जाने वालों को मिलता है, देने वाला अल्लाह ही है, ये लोग दिलवाने वाले। हम लोग मुशरिक नहीं है, अल्लाह हमें शिर्क से बचाए। हम शिर्क नहीं करते, ना करना चाहते हैं, ना शिर्क पसंद करते हैं। मुशरिक को हम मुसलमान नहीं मानते, कोई मुशरिक मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान है वो मुशरिक नहीं। हमें खबर को जारी कहने की कोशिश करने वाले, हम पर इस तरह के बोतान रखने वाले, वो जालिम हैं, नादान हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए। हम हरगिज हरगिज शिर्क नहीं करते, हम इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानते,
अल्लाह की जात और सिफात में, उसके नामों और उसके कामों में किसी को उसका शरीक नहीं मानते। हाँ, हमारा अकीदा है, ये हमारा नजरिया है कि हम अल्लाह वालों को अल्लाह की आता का, अल्लाह के खजानों का बांटने वाला समझते हैं, अल्लाह की रहमत का मजहर मानते हैं, इनसे अल्लाह की अनवार मिलते हैं, अल्लाह की रहमतें मिलती हैं। सुने सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, काफिरों का कोई वाली वारिस और मोमिनों के लिए है, तो पता चला कि मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की रहमतों के हासिल करने वाले हैं। तो अल्लाह ने ये वली बनाए इसलिए है कि अपने मोमिनीन बंदों पर रहमत फरमाए। तो अब जिसको रहमत चाहिए वो औलिया को मानता है, उनसे नाता जोड़ता है, जिसको नहीं चाहिए वो ना मानता है ना नाता जोड़ता है। झगड़े की बात, जो ना माने नाता ना जोड़े, समझ लो इसको अल्लाह की रहमत की जरूरत नहीं, ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो जो महरूम है वो रोए, वो अपनी बदकिस्मती पर, अपनी बदनसीबी पर मातम करे, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं। ऐसे के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, कहीं उसकी वजह से हम पर भी मुसीबत ना आ जाए। उसकी सोबत में नहीं बैठना, उससे ताल्लुक नहीं रखना, उससे कोई मोहब्बत नहीं रखनी, कोई रिश्तेदारी उससे उस्तवार नहीं करनी। अगर रिश्तेदार है तो रस्मी तौर पर उससे ताल्लुक रखा जाएगा, कल की कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह की रहमत का तालिब नहीं है वो शकी है, वो बदबख्त है, और बदबख्त कभी कामयाब होता नहीं। इस पर और बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मजमून तवील हो जाएगा। एक आधी बात करके अगली आयत पढ़ूं और बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। तवज्जो करें, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। तो फिर अल्लाह ने वली पैदा क्यों किए, नबी पैदा क्यों किए? अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, किसी तरह मोहताज नहीं। उसने इनको इसीलिए पैदा किया है कि अल्लाह को इनका मोहताज नहीं, मगर अल्लाह को जानने, अल्लाह को पहचानने और अल्लाह की रहमतें हासिल करने के लिए हम नबियों वलियों के मोहताज। अल्लाह अकबर यार, हमें अपनी मोहताजी पेशे नजर रखनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हम मोहताज हैं अल्लाह के, उसकी रहमत से। और ये रहमत कहां से मिलती है? ये औलिया अल्लाह, अल्लाह के दरवाजे हैं, उसकी रहमत के दरवाजे हैं, अनवारों के जंगियात के मज़ाहिर हैं। हम जात तक रसाई इन्हीं की बदौलत हासिल करते हैं। अगर इनसे हमारा ताल्लुक नहीं होगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते। मुझे और आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और जितने लोगों ने बुलाया मुझे बता दीजिए, आप अपनी याददाश्त के मुताबिक बता दीजिए, पढ़ने वाले अपने इल्म के मुताबिक बता दें, जानने वाले अपनी मालूमात के मुताबिक बता दें। दुनिया भर की तारीफ आपके सामने है। वो जमाना है कि इंसान यहां से पुकारे तो हजारों मील पर उसकी आवाज अब सुनी जाती है। अब कोई इस बात का इंकार नहीं कर सकता, साइंस ने, इजादात ने इन चीजों को साबित कर दिया कि आप सुबह चले तो शाम दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम में चले जाते हैं, एक संत से दूसरी संत में। सुबह मशरिक में है तो दोपहर के बाद आप मगरिब में पहुंच जाते हैं। फासले और वक्त इनके मामले में इंसान की दौड़ और साइंस की इजादात आपके सामने हैं। मुझे ये बताइए, सारी दुनिया का नक्शा आप देख के मुझे बता दे कि दुनिया में वो कौन से लोग हैं जो कामयाब हुए, दुनिया में वो कौन से लोग हैं जिनकी याद बाकी है, दुनिया में वो कौन से लोग हैं
जिनका जिक्र आज हम मिसाल के तौर पर बयान करते हैं, वो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से ताल्लुक कायम किया, जो औलिया अल्लाह से वाबस्ता हुए। क्योंकि अल्लाह फरमाता है वकूनू मासादिकी, सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान लाने के बाद, तक्वा इख्तियार करने के बाद अपने आप को सब कुछ न समझने लग जाना, सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चों के साथ हो जाएगा, सच्चों की बरकत से वो भी सच्चा हो जाएगा। अल्लाह वो भी पार लग जाएगा। और डूबने वाला किसी तैरने वाले को पकड़ ले तो तैरने वाला उसे भी अपने साथ पार लगाता है या नहीं? ताकत रखता हो बचाने की तो पार लगा लेता है। हम डूबने वाले, अल्लाह वाले, तैरने वाले, इनके साथ लग जाए तो हम भी पार लग जाए, इनके साथ ताल्लुक जोड़े। काफिरों का कोई हिमायती नहीं, मोमिनों के हिमायती हैं। तो मोमिनों को रहमत मिली है, इनको चाहिए फायदा उठाएं, अल्लाह की रहमतें हासिल करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ा खौफ़ा व तमा व युन्शियुस सहाबा थिक़ाल। वही है तुम्हें बिजली दिखाता है, डर और उम्मीद को तुम्हारे सामने करता है। कभी तुम पे डर तारी हो जाता है, कभी तुम्हें उम्मीद होती है, और भारी बदलियां उठाता है। बारिश के बारे में तफसीलात, वो बादल जो पानी से भरे होते हैं, कितना पानी उनमें होता है, उस पानी से आप ऐसे पानी का कतरा ऊपर रखे तो फौरन नीचे आ जाएगा, लेकिन इतने मनोवजनी पानी से भरे हुए बादल कौन चला रहा है? ये बिजली कौन चमका रहा है? ये गरज कहाँ से हो रही है? ये सारी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा जो मैं आपके सामने पेश करूंगा, इसमें ये दो आयतों में ये तफसील है गरज की, चमक की। पहले भी शुरू में आपको सूरत के हवाले से बता चुका हूँ, अर्राद सूरत का नाम है, और रात असल में एक फरिश्ते का नाम है। ये जो गरज चमक होती है, बिजली कड़कती है और घन गरज पैदा होती है, फिर बिजली गिरती है, बारिश वगैरह, उसका बयान इन अगली दो आयतों में है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे बयान करेंगे, मैं इस वक्त उनको मजीद नहीं आगे बढ़ाता, टाइम ज्यादा हो जाता है। इंशाअल्लाह वक्त पे तशरीफ लाएं ताकि ये कि आप शुरू से तफसील से सारा बयान सुन सकें।